जो चीज रोटेट करती है, अगर उसकी एक साइड पर हमें वेट बांधना पड़ जाए या एक तरफ उसके वेट ज्यादा हो, अगर उसे हम उसी तरह रोटेट करने की कोशिश करें तो बहुत तबाहकुन वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे आमतौर पर चीजें टूट जाती। उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए काउंटर वेट बांध दिया जाता, तो नतीजा यह है कि वो उसी रफ्तार से घूम तो रही होती है चीज, लेकिन वाइब्रेशन नहीं पैदा होती। ये इंजीनियरिंग का एक असूल है, उसको इंजीनियरिंग की जुबान में हम काउंटर वेट कहते हैं। आपकी गाड़ी की जो क्रैंक शाफ्ट है, कभी आप अगर उसे देखें तो उसमें बहुत से आपको यू बने हुए दिखाई देते हैं, और उनको जरा सा गौर से देखेंगे तो उनके डिफरेंट एंगल हैं। जो गाड़ी आपकी चार सिलेंडर है उस पे वो चार यूज आपको डिफरेंट एंगल से दिखाई देती, और उनके अपोजिट दूसरी तरफ मोटे एंड्स दिखाई देंगे आपको, वो काउंटर वेट है उसके, उस यू के जो वेट है उसको बैलेंस किया दूसरी तरफ वेट बांध के, उससे वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है इंजन की। तो इंसानी जिस्म के अंदर, इंसानी साख के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्स रखा उसका काउंटर जमीर कर दिया। इंसान अपने फायदे के लिए अपने पड़ोसी को तंग करता है, ये नफ्स है, लेकिन जमीर हमारा फौरी तौर पर उसको रोक लेगा। दर हकीकत जमीर हमें सीधी राह पे रखने में मददगार होता है, लेकिन इसको क्या किया जाए कि हम लोग अक्सर नफ्स की परवरिश करने लगते हैं और जमीर की आवाज को दबा देते हैं। इसलिए कि जमीर की आवाज पर लब्बैक कहना कुर्बानी मांगता है, और कुर्बानी बजाहिर, मैं इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि बजाहिर घाटे का सौदा दिखाई देता है, और इंसान फितरतन घाटे का सौदा करना नहीं चाहता। तो यूं हम आमतौर पर जमीर की आवाज को दबा देते हैं।